कार्तिक मास की पड़वा पर मंगलवार को पहाड़ों की लड़ाई की परंपरा भी जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के करीब 5 किलोमीटर दूर उमरखली रोड स्थित एक खेत में बलशाली पहाड़ों का दंगल हुआ। शेरा और संग्राम के साथ हुए महामुकाबले का रोमांच देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। महज 10 मिनट चले द्वंद में शेरा भारी पड़ा और संग्राम मैदान छोड़ने को मजबूर हो गया। इस पहाड़ों की इस लड़ाई का युवाओं और पशुपालकों को साल भर इंतजार रहता है। यह लड़ाई किसानों की खुशहाली, सुख समृद्धि, जानवरों को नुकसान से बचाने और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कराई जाती है। 10 मिनट हुए इस मुकाबले में दोनों पहाड़ों ने दांव पैचों से देखने वालों का दिल जीत लिया। 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है और हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड चूर किया था और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। के लिए भगवान ने 7 दिन तक पर्वत उठाया था और वृंदावन वासियों की, गोकुल वासियों की रक्षा करी थी और इस दिन भगवान ने पर्वत उठा करके सब गोलोक वासी की रक्षा करी थी, इसलिए हम गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। मैं रश्मि अग्रवाल, गोपाल होटल, खरगोन। महत्व ये कार्तिक शुक्ल पक्ष पड़वा के दिन हम गोवर्धन, गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान बनाते हैं। इसका महत्व कृष्ण भगवान से भी जुड़ा हुआ है और हम इसकी सब मिलके पूजा करते हैं क्योंकि भगवान ने ग्वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था और इनको हम विशेष दूध का भोग लगाते हैं। और इसको सुहाग पड़वा भी कहते हैं और अपने परिवार में सुख समृद्धि, सभी की लंबी उम्र, स्वास्थ्य अच्छा, इसके लिए हम इसकी पूजा करते हैं। इंद्र, हम गोवर्धन भगवान का नाम लेते हैं और मेरा नाम सविता ठक्कर, पहाड़ सिंहपुरा। सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।